चावल के साथ तो आपने दाल और सब्जी बहुत बार खाई होगी, लेकिन एक बार ये रेसिपी ट्राई करें, मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ घर में इसकी बार बार डिमांड होगी। तो हम इंटरनेट की वायरल रेसिपीज ट्राई कर रहे हैं और एपिसोड 3 में हम बना रहे हैं बेंगल का फेमस रोसोनी भरता। तो सबसे पहले हम प्याज को काट लेंगे। तो यहाँ पे मैंने मीडियम साइज के 2 प्याज लिए हैं। तो प्याज को इस प्रकार पतला और लंबा काटना है। इसे बनाने में बिल्कुल भी ज्यादा समय नहीं लगेगा, लेकिन आपको इतनी ज्यादा ये डिश पसंद आएगी कि आप इसे बार बार बनाओगे। अभी दोनों प्याज को मैंने काट लिया है, अब हम आगे की प्रोसेस करेंगे। अभी एक पैन में 2 से 3 टीस्पून मस्टर्ड ऑयल लेंगे। अगर आपके पास मस्टर्ड ऑयल नहीं है तो आप जो भी कुकिंग में ऑयल खाते हो वो ले सकते हो। जब तेल हल्का सा गर्म हो जाए तब इसमें सूखी लाल मिर्च मिलाएंगे। तो यहाँ पे 5 से 7 आपको सूखी लाल मिर्च लेनी है। आपके पास जो भी वैरायटी अवेलेबल हो वो आप ले सकते हो। यहाँ पे तेल को मैंने बहुत ज़्यादा गर्म नहीं किया, हल्का गर्म हो जाए उसके बाद ही सूखी लाल मिर्च को हम धीमी आंच पे भून लेंगे। अगर आप बहुत गर्म तेल में इसे डाल दोगे तो ये बहुत जल्दी काली पड़ जाएगी। ये क्रिस्पी हो जाएगी तब तक हमें इसे भूनना है। हल्का सा जो मिर्च है उसका कलर भी बदल जाएगा। अभी आपको ऐसा लगेगा कि ये बहुत सारी मिर्ची है तो ये जो डिश है वो बहुत ज़्यादा स्पाइसी बनेगी। वैसे ही स्पाइसी ही बनती है, लेकिन चावल के साथ जब इसे खाओगे तो आपको बिल्कुल भी ये स्पाइसी नहीं लगेगी। अभी ये जो मिर्ची है वो फ्राई हो गई है तो इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। अभी उसी तेल में हम 10 से 12 कली लहसुन की लेंगे। लहसुन भी बढ़िया कलर आ जाए तब तक इसे भूनना है। अगर आपने एक बार ये रेसिपी ट्राई कर ली ना, आपको इसकी आदत लग जाएगी। मुझे घर पे बिल्कुल आसानी से बन जाए, जो रूटीन में इंग्रेडिएंट्स मिलते हैं उसी से बन जाए, ऐसी रेसिपीज बनाना बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो अगर आपको भी ऐसी रेसिपी देखना पसंद है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन दबा दें। बेल आइकन दबाने से मेरे जो नए वीडियोज आ रहे हैं उसके बारे में आपको सबसे पहले पता चलेगा। और वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, उससे मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। अभी आप देखिए लहसुन में बहुत ही बढ़िया कलर आ गया है, तो इसे भी एक प्लेट में निकाल लेंगे। अभी उसी तेल में हम 1/2 टीस्पून कलौंजी मिलाएंगे। अगर आपके पास ये नहीं है तो इसे आप स्किप कर सकते हो, लेकिन ट्रेडिशनली इसे डाला जाता है। अभी हमने जो प्याज को काट के रखे थे वो डाल देंगे। प्याज को भी हमें बहुत ही अच्छे से भुनना है, हल्का से इस पर कलर आ जाना चाहिए। अभी आप देखिए प्याज पे भी बहुत ही बढ़िया कलर आ गया है। तो गैस की आंच को मैंने बंद कर दी है। अभी जो प्याज को हमने भून के रखे है इसे हम एक सिलबट्टे में निकाल देंगे। अगर आपके पास ऐसा सिलबट्टा नहीं है तो ट्रेडिशनली ये जो मिश्रण है इसे हाथों से ही क्रश किया जाता है, तो आपको इसे ठंडा कर लेना है, बाद में हाथों से इसे मसल लेना है। जो लहसुन और मिर्ची को हमने भून के रखा था उसे भी हम निकाल देंगे। अब इसमें हम 2 टेबलस्पून हरा धनिया मिलाएंगे। स्वाद के अनुसार नमक मिलाना है और इसमें आधे नींबू का रस डाल देंगे। अभी इसे हम कूट लेंगे। जैसा मैंने आपको बताया ये ट्रेडिशनली हाथों से मैश किया जाता है, लेकिन मुझे इस तरीके से ये जो खलबट्टे में पीसना है वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैं इसे पीस रहा हूँ। चीज़, बटर, मेयोनीज वाली रेसिपीज तो हम बहुत सारी लाइक करते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हमें ऐसी हमारी जो ट्रेडिशनल रेसिपीज़ है उसे बहुत ही ज़्यादा सराहना देनी चाहिए, ताकि हमारी जो आने वाली पीढ़ी है उनको ये बहुत ही मदद में मिलेगी। क्योंकि जो ट्रेडिशनल रेसिपीज़ होती है वो हेल्दी ही होती है, तो उसे आप ज़रूर बढ़ावा दें। ये लीजिए बंगाली रोसुन भरता तैयार है। आप देख सकते हो बहुत ही गजब दिख रहा है। तो अगर आपको ये मेरा आज का वीडियो पसंद आया है वीडियो को लाइक जरूर करें। अगर आपको पसंद नहीं आया है कमेंट करके मुझे जरूर बताएं कि मुझे क्या इम्प्रूव करना चाहिए। ऐसी एक मस्त रेसिपी के साथ जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्ते।